বিধানসভা নির্বাচন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবার পর শনিবার নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে কথা বলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্যে। রাজ্যে ব্যাপক শতাংশ ভোট গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, 16 তারিখে নির্বাচনের পর সমস্ত ইভিএম যথাযথ নিরাপত্তায় সিল করে রাখা হয়েছে। সেখানে সিসিটিভি সহ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং সাথে সাথে প্রতিটি রুমে একজন টিসিএস অফিসার রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কিরণ গিত্যে। রুমে ওয়াপস লায়ে গে আর সবি স্ট্রং রুম ক্যান্ডিডেট আর সবি অবজারভারস কে সামনে 16 तारीख को रात को ही सील किए गए। स्ट्रांग रूम सील करने के बाद वोटिंग और काउंटिंग में 14 दिन का गैप है, तो इस गैप को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। जैसे सभी स्ट्रांग रूम 3 टायर सिक्योरिटी में है, अंदर सीएपीएफ है, बाहर पीएसआर है, उसके बाहर पुलिस का रिंग है। यहाँ पे सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी फिट किया गया है और वो सीसीटीवी का एक फुटेज एक रूम में टीवी पे दिखाया जाता है कंटिन्यूअसली, और उस कंट्रोल रूम में प्रत्येक कैंडिडेट अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पे दिया है। वो रिप्रेजेंटेटिव टीवी में देख सकते हैं सीसीटीवी के माध्यम से कि स्ट्रांग रूम का दरवाजा, स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी, ये पूरा 24 घंटा हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पे बैठने के लिए इंतजाम किया है। और प्रशासन की तरफ से एक टीसीएस ऑफिसर सभी स्ट्रांग रूम में নির্বাচনের পর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী কর্তা। গোলাঘাটি এবং মাতাবাড়ি কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচনী বিষয় সম্পর্কে কিরণ গিত্যে জানান, এ ব্যাপারে অবজারভাররা সমস্ত ভিডিও ফুটেজ চেক করেছেন এবং কোনো পুনঃনির্বাচনের সুপারিশে সায় দেননি। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের কোনো কেন্দ্রেই পুনঃনির্বাচনের পক্ষে কমিশন নিযুক্ত অবজারভাররা সায় প্রদান করেননি বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান কিরণ গিত্যে। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन में डिमांड आई है, तो जो मैटर उस डिमांड में लिखा था जिसके कारण रिपोर्ट मांगा गया था, तो उन्होंने उस पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग का जो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड, वो चेक किया। उसका जो भी वहां पे फॉर्म 17C 17A चेक किया, तो उन्हें ऐसा कुछ उस पोलिंग स्टेशन में नजर नहीं आया जिसके कारण ये दोनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिपोर्ट करने की जरूरत पड़े। कोई भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में या कोई भी पोलिंग स्टेशन में टेक्निकल या पॉलिटिकल वायलेंट या कोई भी केस नजर नहीं आई, तो किसी भी ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट रिकमेंड नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने कल रात को लेट, जब हमने प्रेस रिलीज किया आपको 9 बजे, तब डिसीजन दे दिया था कि कोई भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। উল্লেখ্য, 23 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে সারা রাজ্যের শান্তিপূর্ণ আবহে ভোট দিয়েছেন সমগ্র রাজ্যের মানুষ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপার। ব্যুরো রিপোর্ট, আর এ নিউজ।